जैलदार पार किचरा का ये घर मौलाना की मलकियत थी या जमात इस्लामी की मलकियत थी, इस पर झगड़ा किस बात का है? अब तो ये जमात इस्लामी के पास है। असल में ये अबैन की विरासत थी, लेकिन एक तो ये हुआ कि ये अबैन के नाम ट्रांसफ़र ही नहीं हुई उनकी ज़िंदगी में, और हमें पता नहीं, वो ज़्यादा हम लोगों को बताते नहीं थे, और वो सब कुछ जमात पे ट्रस्ट करते थे। उन्होंने इसकी अदायगी भी पूरी कर दी, और इसके बदले में एक उनका प्लॉट था 8 कराल का मंसूरे में, जो नंबर 1 प्लॉट है। अहमद नसरुद्दीन जिन्होंने ये मंसूरा सारा बिल्ड किया था, उन्होंने वो प्लॉट अबैन के नाम रखा था, जिसकी उन्होंने खुद अदाई की थी, और वो उस पर उनका घर बनाना चाहते थे। तो अबैन ने कहा कि मैं किसी की एहसान नहीं लिया करता, मैं अपना घर खुद बनाऊँ, आपको जो कुछ बनाना है वो आप जमात को बना दें। तो ये पूरा मंसूरा उन्होंने बनाया था, ये सारा पैसा अहमद नसरुद्दीन ने दिया था। तो फिर जब ये चले गए, और ये था इंतकाल के बाद पता लगा कि ये, तो जब ये केसेस चलने शुरू हुए तो अदालत में जमात के वकील ने कहा कि ये तो प्रॉपर्टी मौलाना मौदूदी की नहीं है, ये झगड़ा किस बात पे हमसे कर इनसे जमात से कर रहे हैं, ये तो जमात की प्रॉपर्टी, एक्चुअली ये जमात की प्रॉपर्टी नहीं, ये एक दारुसलाम ट्रस्ट बनाया गया था, उसने ये ख़रीदा। उसके चेयरमैन पहले मियाँ साहब थे, फिर रहमतुल्लाह साहब थे, फिर असलम सलीमी साहब और हयात हैं। अब मुझे नहीं मालूम उसका ट्रस्ट का चेयरमैन किसको बना, लेकिन अब असूली तौर पे उन्होंने ये कहा है कि इसकी सारी अदायगी होगी, ये इन वारसीन का घर है। लेकिन क्योंकि मौलाना मौदूदी ने अदायगी कर दी थी सब कुछ, एक एक ढेला दे दिया था, लेकिन आपको कब्ज़ा तो नहीं मिला? नहीं, कभी नहीं दिया उन्होंने। हमारे पास था वालदा के हयात तक। मेरी वालदा ने यह गज़ब किया कि जब आपस के इख्तलाफात की वजह से वो मजबूर हुई, तो उन्होंने काजी साहब को इसमें डाल दिया। काजी साहब उस वक्त अमीर थे, जिसकी मैंने शदीद मुखालफत की वहाँ से, और बाद में फिर आया मैं पाकिस्तान और मैंने उनसे शदीद एहतजाज किया। मैंने कहा आपने ख़ानदान के मामलात में बाहर के लिए जमात को डाल दिया, वो हमारे मौसिन नहीं हो सकते कभी भी, अब हमें सारी उम्र जमात से लड़ना पड़ेगा इसके लिए। और वही हुआ कि हम आज तक, मैं तो नहीं इसमें रह सकता, ठहर सकता, क्योंकि मेरा सारा ऊपर का हिस्सा इन्होंने कब्जा किया हुआ है, बल्कि उसको इस तरह बदल दिया, इस पूरे घर में हम अंदर चलेंगे, मौलाना मौदूदी की कोई छाप नज़र नहीं आएगी, उनका कोई ताल्लुक नज़र नहीं आएगा, उनकी कोई चीज़ नज़र नहीं आएगी। क्यों? सब कुछ ले गए, उठा के बांट लिए, तोड़ के फेंक दिया, कोई दर्द नहीं है ना। अच्छा, इसमें अमीर जमात का कितना ताल्लुक है मुझे नहीं मालूम। सराजुल हक जो थे, उनको मैंने 4 खतूत लिखे इस बारे में, उन्होंने एक का भी जवाब नहीं दिया। हाँ, मुनव्वर साहब ने अपनी ज़िंदगी में मुझे ये दे दिया था घर वापस, लेकिन बाद में 1 महीने के बाद अपने तमाम वादों को तोड़ के उन्होंने दोबारा कर दिया। आपके 3 भाई जिनमें हुसैन फारूक, हैदर फारूक भी शामिल हैं, उनका कहना है कि जमात इस्लामी ने जो आपका वालिद का घर है उस पर ज़बरदस्ती कब्जा कर रखा है, जबकि आपके वालिद बकायदा उसकी पेमेंट कर चुके हैं। नहीं, हरगिज ये जमात इस्लामी ने कब्जा नहीं किया, ये तो उनकी तदफीन के वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, सब भाई उसमें शामिल थे कि जी हम इसको वक्फ करेंगे, हम इसको वक्फ कर, इस घर को हम इसलिए तदफीन कर रहे हैं कि हम इस घर को वक्फ करेंगे। सब ने अपने कंसेंट दिया था, उसके बाद ये लोग मुनहरफ हो गए, और इस घर का बहुत बुरा हाल था, तो इनके आपस में लड़ाइयाँ चल रही थी, तो मेरी वालदा ने मेरे साथ गई, और काजी हुसैन अहमद अमीर थे मंसूरे में, जाके उनके घर में उनसे रिक्वेस्ट की कि आप इस घर को टेक ओवर करें, और आप इसका ट्रस्ट बना के, और इसको लाइब्रेरी और जो कुछ बनाना चाहते हैं आप बनाएं, और हम आपको, आप हमारी मदद करें इसमें। और मेरी वालदा के कहने पे ये वो आए थे यहाँ पे, और उसके बाद ये सारा सिलसिला शुरू हुआ। जमात वाले तो आना ही नहीं चाहते थे, इस मामले में पढ़ना ही नहीं चाहते थे, ये तो हम लोगों ने सबने मजबूर किया है। मेरे बड़े भाई उमर फारूक साहब ने, और मैंने, हमने जाके मुनव्वर हसन साहब से बात की, मेरी बहनों ने मुनव्वर हसन साहब से बात की, उनको खत लिखा, उसके बाद वो इस पर आए हैं। क्या आपके जो बाकी 3 भाई हैं जिनको इख्तलाफ है इसको ट्रस्ट बनाने पर, क्या उनका हिस्सा बनता था, और वो हिस्सा क्या उन्हें मिला है? जी हाँ, उनका हिस्सा था, उनका हिस्सा उनका हमने अलग कर दिया कि जो लोग अपना हिस्सा नहीं देना चाहते ट्रस्ट में, तो हम नहीं लेना चाहते, हम किसी का हिस्सा, किसी का हक मार के, किसी का हिस्सा मार के हम कोई ट्रस्ट नहीं बनाना चाहते। हमने एक दीवार बना दी है, एक हिस्सा अलग कर दिया, वो तकरीबन 1.5 कराल जगह है वो, जिसका हैदर फारूक साहब रहते हैं,
और वो 10 मरले उसमें हैदर फारूक साहब का हिस्सा है, 10 मरले उसमें हुसैन फारूक साहब का हिस्सा है और 10 मरले उसमें अहमद फारूक साहब का हिस्सा है। और बाकी हिस्सा जो जो हमारा हिस्सा था, हमने सिर्फ अपने हिस्से में जो कुछ भी ट्रस्ट बनाया, जो कुछ बनाया अपने हिस्से में बनाया, हमने उनके हिस्से में नहीं बनाया, उनका हिस्सा इंटैक्ट है, उनके पास है, उनके कब्जे में। अब वहाँ पे जो तामीरात हुई हैं, कब्र संगे मरमर की बनी है, फिर पीछे वो लाइब्रेरी बन रही है, ऑफिसेज बने हैं, ये जमात इस्लामी ने पैसे खर्च किए हैं, आपने किए हैं? नहीं, ये जमात हमारे पास तो वसाइल नहीं है, ये तो हमने कहा कि जी हमारे पास तो वसाइल नहीं है, हम तो यही, हमने तो ये जो हिस्सा था अपना अपना डोनेट कर दिया। तो इसके लिए बहुत सारे लोगों ने डोनेशन किए, ये मतलब ये कि जमात इस्लामी ने नहीं किया, इस पर बहुत सारे लोगों ने डोनेट किया है पैसा, उन्होंने स्पेशल ये बकायदा बोर्ड बना हुआ है, मीटिंग्स होती हैं उसके साथ, उसके तहत ये सारा काम हो रहा है। आप भाइयों की आपस में बोलचाल नहीं है? नहीं है। कौन कौन आपस में जो है, किससे इख्तलाफ है, किसके साथ इत्तफाक है? मैं सबसे छोटा भाई हूँ और मेरे सबसे बड़े भाई हैं उमर फारूक साहब जो हमारे वालिद की जगह है। हमारा आपस में बिल्कुल हर तरह से इत्तफाक है, हम आपस में मिलते भी हैं, मशवरा भी करते हैं, जो भी होता है उनकी मर्जी से होता है, उनको भी इन्वॉल्व किया जाता है, सारा उनसे पूछा जाता है। बाकी भाइयों से मेरा नहीं है बोलचाल भी नहीं, क्या इख्तलाफ सिर्फ प्रॉपर्टी पे है या और भी मसाइल है? असल तो मामला प्रॉपर्टी का ही है और तो कोई मसला नहीं है। और बहनें किसके साथ हैं? वो हमारे साथ है, सारी की सारी तीनों बहनें हमारे साथ हैं। एक बहन का इंतकाल भी हो गया है, तो जो वो अपने और इंतकाल से पहले वो अपना हिस्सा डोनेट कर चुकी थी, अपना हिस्सा ट्रस्ट को दे चुकी थी, वालदा भी अपनी जिंदगी में अपना हिस्सा ट्रस्ट को दे गई थी। क्या मौलाना मौदूदी की तदफीन पर भी इख्तलाफ था? जमात इस्लामी के लोग चाहते थे कि उन्हें मंसूरा में दफनाया जाए, लेकिन ख़ानदान ने कहा कि नहीं, उन्हें घर में दफनाना है। बिल्कुल सही बात है ये, उस वक्त हमारी तरफ से कोई इतराज़ नहीं था। आने से हमारे वालिद की जब डेड बॉडी आने से पहले हमने, मियाँ साहब ने हमें एक वसीयत बताई थी अबैन की, जब वो कह रहे थे कि आप मंसूरे चलें, तो उन्होंने कहा था कि मुझे मेरी ज़िंदगी में यहीं बैठा रहने दें, बाद में आप वहाँ ले जाइएगा। तो उस पर फिर हम सब बहन भाइयों ने जो यहाँ मौजूद थे, उन्होंने यही फ़ैसला किया कि मंसूरे में थे। लेकिन वहाँ पर अहमद फारूक साहब और मेरी वालदा और हमारे एक बहनोई मसूद साहब थे, उनका करेक्टर आज तक समझ नहीं आया। जो इख्तलाफात हमारे ख़ानदान में पैदा, वो सब उनकी पैदा किए हुए थे और उनका बहुत गहरा ताल्लुक था अहमदिया ख़ानदान से, अहमदिया। हालांकि उनके बड़े भाई जमात इस्लामी के रुकन थे, लेकिन उनके सारे दोस्त कादियानी थे, लेकिन उनका क्वेश्चन मार्क रहेगा सारी ज़िंदगी। उन्होंने कहा कि नहीं, उन्होंने मुझे, उन्होंने इंस्ट्रक्शन दी कि नहीं, मंसूरे में नहीं होना, बल्कि जाकर माल्टाउन में कहीं जाकर अपना इहाता खरीदो। मैंने कहा क्यों, मैं तो नहीं जाऊँगा, ना खरीदूँगा। फिर उन्होंने अहमद फारूक को तैयार किया और उन्होंने पूरी जमात से हमें लड़वा दिया और ख़ुद अमेरिका चले गए।